हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं NLP ट्रेनर और कोच भी हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि जो डिप्रेस है, निराश और हताश है, और जीवन में कुछ ना कुछ उन्होंने ठोकर खाई हुई है या उनको अपयश आया हुआ है और उसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। शायद उनको सफलता के सूत्र नहीं मालूम या सफलता के एग्रीमेंट्स क्या है मालूम नहीं है। जब चर्चा होती है तो उनसे उनसे जो मैं बातचीत करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई उनको सफलता मिली नहीं करके वो डिप्रेस है, तो क्या किया जाए ताकि सफलता मिलेगी और उनका डिप्रेशन निकल जाएगा। तो एक बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब जिम्मेवारी लेना। हम क्या करते हैं कि हम लोगों को ब्लेम करने में जुटे हुए हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। ये हुआ नहीं, इसका कारण ये, वो हुआ नहीं, उसका कारण वो है, परिस्थिति खराब है, लोग खराब है, लोगों ने कॉपरेट नहीं किया, मार्केट टाइट है, वातावरण बराबर नहीं है, या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी सारे ब्लेम्स लोग करते रहते हैं। सक्सेस तभी मिलता है कि जब आप जो भी हो रहा है उसकी जवाबदारी आप लेते हो, जिम्मेवारी आप लेते हो और काम की शुरुआत खुद करते हो। काम की शुरुआत करना और जिम्मेवारी से काम पूरा करना ये बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको कहा, वो लोगों को मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो। नंबर दो कि लोग गॉसिपिंग करते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई गॉसिपिंग में कितना आप टाइम खराब करते हो आपका, तो लोग बोलते हैं हाँ होता है कभी कभी, दो चार लोग बैठ गए, दोस्त बैठ गए तो हम गॉसिपिंग करते रहते हैं, बातचीत करते हैं। चार लोग बैठेंगे तो वो पांचवी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो जो गॉसिपिंग करना और बिना कुछ सबूत की बातें सुनना, उससे काफ़ी सारा डिप्रेशन आते रहता है और हम असफल होते रहते हैं। वो थ्री फिल्टर टेस्ट आपको पता ही है, उसके बारे में बोलता हूँ मैं आपको, नहीं पता होंगे तो। कि एक व्यक्ति अपने दूसरे दोस्त के पास में गया और वो बोलने लगा कि मैं तुमको कुछ खबर देना चाहता हूँ। तो जिसके पास में वो गया बोले रुक जाओ, खबर देने के पहले मैं आपको तीन सवाल पूछता हूँ, उसका पहले मुझे जवाब देना। और वो तीन सवाल का जवाब यदि आपने दिया ठीक तरह से तो मैं आपको जो सुनाना है वो सुनूंगा, अदरवाइज नहीं। बोले ठीक है, पूछो आप। बोले पहला सवाल ये है कि जो आप मुझे अभी खबर देने वाले हैं वो खबर अच्छी है कि बुरी है? तो बोले नहीं, बुरी खबर है। बोले ओके ठीक है। अच्छा, ये जो खबर आप देने वाले हैं ये आपने सच्चाई है, मतलब उसमें सच्चाई है कि आपको पता नहीं कि सच है कि झूठ है? नहीं, बोले मैंने वो देखा नहीं कि वो सच है कि झूठ है, मैंने सुना, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा, मतलब इसका मतलब आपको मालूम है कि वो खबर अच्छी नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि वो सच है कि झूठ है। बोले ठीक है, तीसरी टेस्ट में पूछता हूँ, क्या ये जो आप बताने वाले हैं मुझे, इससे मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? बोले आपको कुछ फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा ये मालूम नहीं। बोले ठीक है, तो फिर ये जो पहला सवाल है कि खबर अच्छी है कि बुरी है, तो खबर बुरी है। दूसरा सवाल है कि भाई वो आपने सच है कि झूठ है? तो बोले नहीं, मुझे पता नहीं झूठ है या सच है, मैंने देखा नहीं। अच्छा, मुझे फ़ायदा होंगे नहीं होगा? मैं आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर मैं सुनूँ कहाँ, मेरा टाइम क्यों बर्बाद करो? तो इसको बोलते गॉसिपिंग, कि भाई जैसा कुछ पूछे बिना, कुछ उसकी सत्यता देखे बिना कम्युनिकेट करना, बताना। तो सक्सेसफुल लोग गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते। तीसरा है, सक्सेसफुल लोग जो है वो हरदम एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साही रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यू फेक इट टिल यू मेक इट। अपन उत्साही है ऐसा बताओ, आप उत्साही हो जाएंगे। ताकतवर है ऐसा बताओ, ताकतवर हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो सक्सेसफुल लोग एनर्जेटिक और ताकतवर रहते हैं, उत्साही रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं। फिर नेक्स्ट यह है कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये किसी से नफरत नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करना।
अपने आजू बाजू लोगों से, क्योंकि लोग जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे नहीं है। लोग रिएक्ट करते रहते हैं दिन भर। आप देखो आपके आजू बाजू में लोग रिएक्शन ही करते रहते हैं, तो उनकी रिएक्शन ना, मतलब रिएक्शन को रिएक्शन सुन के अपन ने उसको रिएक्ट नहीं करना है। मैंने उसको प्रतिक्रिया देने का नहीं, उसको सुन लेने का है, और जैसा है वैसा है उनको स्वीकार करना, नफरत नहीं करना लोगों से, तो भी रिश्ते अच्छे बनाने में बहुत कामयाब हो जाता है वो, और उसे सक्सेस मिलता है। सक्सेसफुल लोग जो है वो लोगों का सपोर्ट लेने में आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि लोग को, लोगों का जब सपोर्ट लेते हैं, जब टीम वर्क करते हैं, लोगों से सहायता लेते हैं, तो कभी आज हम उनसे कुछ सहायता ले रहे हैं, कल हम उनको सहायता करेंगे, तो वो टीम तैयार होती है, और टीम जो है ना वो टीम जीतती है। तो हरदम सब सक्सेसफुल लोगों के आसपास काफ़ी लोग रहते हैं कि जो टीम में काम करते हैं, सपोर्ट करते एक दूसरे को, और लोग सक्सेसफुल होते रहते हैं। तो टीम की मदद लेना, टीम तैयार करना, टीम की मदद लेना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर सक्सेसफुल लोग लोगों को हरदम, लोगों के प्रति हरदम एक्नॉलेजमेंट, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वो आभार लोगों को मानते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं। यदि आप लोगों को धन्यवाद देंगे, आभार मानेंगे उनका, उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, तो लोग फिर क्या होता है कि और काम करना चालू करते हैं आपके लिए। तो एक तो लोगों के प्रति हम जब आभार व्यक्त करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। जब आप आभार मानते हो लोगों का, धन्यवाद देते हो, तो धन्यवाद इस तरह से उनका मानो कि भाई उनको कुछ ना कुछ उनके भविष्य के लिए खुल जाएगा, उनको कुछ तो भी ओपनिंग्स फॉर एक्शंस मिलेगी। मतलब मैंने समझो आपको पूछा, अब आभार या तारीफ किया या प्रशंसा किया कि भाई आपका शर्ट बहुत अच्छा है, तो आपका शर्ट बहुत अच्छा है ये मैंने प्रशंसा किया, तो प्रशंसा करने के समय प्रशंसा तो करो कि आपका शर्ट बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ आप ये भी बोलते हो कि आपकी जो चुनौती है, मतलब चुनाव जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप मतलब अच्छा चॉइस करते हो, आपका चॉइस बहुत बढ़िया है, तो उसको वो भी अच्छा लगता है और उसके लिए ओपनिंग मिलता है आगे के लिए। तो एक तो लोगों की प्रशंसा करो, धन्यवाद दो, कृतज्ञता व्यक्त करो, थैंक यू बोलो, तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए और एक जरूरी है कि रोज सुबह उठ के यदि आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक पढ़ते हो, कोई वीडियोस देखते हो, कोई लेक्चर सुनते हो, तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि अब पॉजिटिव जो है बातें अंदर यदि बार 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 आएंगी पॉजिटिव बातें, तो अंदर की निगेटिव बातें आप ही आप नीचे दब जाएंगी और आपको ऊर्जा मिलेंगी काम करने के लिए। तो सक्सेसफुल लोग हरदम कोर्सेज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वो हरदम आगे बढ़ते रहते जैसा पैर को मतलब चक्का लगाया हुआ है, आगे बढ़ते रहते और हरदम प्रोग्रेस करते रहते वो वजह से। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, इसमें से मैंने कुछ चंद बातें आपको बताई। तो यदि आप करते हैं तो मैं लोगों को हरदम बोलता हूँ कि भाई डिप्रेस में कोई कारण नहीं है, आपको सफलता नहीं मिली, डिप्रेस हो गए, ठीक है, अभी आज बोलो आज से क्या करते हो, और आज से यदि आप काम करना चालू करोगे जो मैंने बोला हो वही पथ पे, तो काफ़ी सक्सेस आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी और आपके जीवन में रोशनी आएगी, आनंद आएगा, मजा आएगी। काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो अपने जीवन में खुशी मतलब सफलता नहीं प्राप्त करते होंगे, उनको खुशी नहीं मिलती होंगी, तो ऐसे आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग होंगे जो आप देखते होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको फ़ायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर हिट करो। थैंक यू वेरी मच।